हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और फिर से यहाँ पे हम देखने वाले हैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेपर में आपको सॉल्व करा चुकी हूँ, सुपर टेट का जो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आए थे वो हम देख चुके हैं। एक टॉपिक उसमें ऐसा था जिसका मुझे थ्योरी पढ़ाना है, इसमें सभी की थ्योरी पढ़ाऊंगी धीरे धीरे, बट क्या है कि थोड़ा सा एग्ज़ाम और नज़दीक आ जाता है तो बेटर रहेगा। यस, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। फिलहाल जो है बेसिक क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व कराने की प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिससे जिन लोगों ने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी है, जिन लोगों ने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की है वो भी, या फिर जिनको वो उतना टेक्निक समझ में नहीं भी आता है, तो वो भी बहुत ही व्यवहारिक रूप से रीजनिंग को सॉल्व कर सकें। चलिए स्टार्ट करेंगे। सेशन क्वेश्चन बैलेंस्ड है, स्टार्ट करेंगे। सो पहला क्वेश्चन आपका है, यदि ए बराबर एक हो और ए सी ई बराबर नौ हो तो आर्ट यानी ए आर टी बराबर क्या होगा? फटाफट से बताइए। ये है तो वही वाला, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप में है। सिर्फ इसमें ए दिया है, एक दे दिया है, ए सी ई का नौ दे दिया है, तो आर्ट कितना होगा? कॉमन सेंस लगाइए कि किस आधार पर ये हो सकता है एक और नौ। ये निकल गया तो फिर आपका आंसर आपको बन जाएगा। वीडियो पॉज कर लिया करिए, सॉल्व कर लिया करिए और उसके बाद प्ले करके देख लिया करिए, वीडियो लंबा नहीं होगा इससे। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व किया गया है। हम मानते हैं ए जो है वो, जब कभी भी ए बी सी डी वाला कुछ भी आता है तो मैंने एक चीज़ हमेशा कही है कि इस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग कुछ भी इस टाइप की चीज़ आती है तो आपको अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इनकी प्लेस वैल्यू पे ही बनते हैं, ठीक है। जैसे कि 26 आपके लेटर्स हो गए तो उसमें ए जो है वो पहले स्थान पे रहता है, फर्स्ट रहता है, ठीक है। ए तो फर्स्ट स्थान पे रहता है। अब इसी तरह से हम इनको देख लेते हैं, ए पहले स्थान पे रहता है ना, पहला ए रहता है। फिर ए बी सी यानी कि सी जो है वो तीसरे स्थान पे रहता है और ई जो रहता है वो रहता है ए बी सी डी ई यानी पाँचवें स्थान पे। तो अगर हम इन सबको प्लस करके देखते हैं तो ये बनता है नौ, एक तीन चार और चार पाँच नौ। तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि यहाँ पे लॉजिक कौन सा लगा है ना, कुल मिला के प्लेस वैल्यू का लगा। यहाँ पे सिर्फ ए था तो ए का एक हो गया, यहाँ पे तीन लेटर्स थे तो तीनों का जो प्लेस वैल्यू था उसको प्लस करके लिख दिया है। अब बस हमें यही चीज़ यहाँ पे भी कर देनी है। चलिए देखते हैं हम ए के लिए क्या है। वन है, यहाँ पे दिया भी है, पता भी है हमें ए जो है सबसे पहले आता है। आर की बात करते हैं तो जब आप ए बी सी डी काउंट करेंगे तो आर आपका 18th प्लेस पे आएगा, ठीक है। टी जो है वो आपके कौन से प्लेस पर आएगा, वो आएगा आपके 20 प्लेस पे। अब इसको ऐड कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सो यस, इसके लिए करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 39, ये से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की? क्वेश्चन इसी टाइप का सुपर टेट में भी आया था, बस एक लाइन और एक दो लाइन और एक्स्ट्रा थी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया था, ए बी सी डी वाला ही क्वेश्चन था। चलिए तो यहाँ पे क्या बोला है, सी माता है ए और बी की, तो यहाँ पे ए और बी दोनों भाई बहन हैं या बहन बहन हैं, भाई भाई कुछ भी हैं, कुल मिला के सिबलिंग्स हैं, है ना। और सी जो है वो इनकी माता है, मतलब इन दोनों की माता है, ठीक है। अब डी जो है वो पति है बी का, डी जो है ये बी का पति है। अच्छा, ये अगर बी का पति है तो जाहिर सी बात है ये पत्नी है, मतलब ये लड़की है। अभी देख लेंगे, पूछा है सी कौन है डी की, तो सी जो है वो डी की कौन हुई, तो पुत्री का पति है डी, तो अपनी लड़की का पति क्या होता है, दामाद होता है, तो दामाद की सी मतलब क्या होगी, अपने दामाद की सास होगी ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सास हो जाएगा। बहुत ही ईजी था, कुछ भी टफ नहीं था इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक सीरीज़ दी हुई है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि कितनी बार पी इस तरह से उपस्थित है कि पी के बाद एन ओ आता हो, ठीक है। बस आपको नंबर ऑफ कि कितनी जब बाद वो रिपीट हुआ है, बस ये बताना है कि पी एन ओ ऐसा रिपीट हुआ हो, पी के जस्ट बाद एन ओ आया हो। चलिए देखते हैं, यहाँ तो पी एन क्यू दिया है तो ये तो नहीं है, पी एन ओ एक बार हमें मिल गया, फिर ढूंढेंगे बढ़ते रहेंगे आगे, पी टी ओ लिखा है तो ये भी नहीं है, पी एन ओ एक बार और मिल गया, फिर आगे बढ़ेंगे पी एन ओ एक बार और मिल गया, है ना। तो टोटल कितने बार हुए, एक दो तीन, कितने बार ऐसे इस तरह से पी आए हैं जिसके बाद एन ओ लिखा हो, तो वो है तीन। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही आसान था, कुछ भी कठिन नहीं था, सिर्फ नज़रें धोखा ना दे एग्ज़ाम के टाइम पे, तो कभी कभी होता है बहुत जल्दबाजी में हम या नर्वसनेस में ध्यान से आँखों के सामने की चीज़ों को देख नहीं पाते, वो चीज़ नहीं करनी एग्ज़ाम में।
नीचे दिए गए चार समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, शायद इस टाइप का मैंने पहले सॉल्व नहीं कराया है। यहाँ पे एक समूह दिया है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, ये पूरा कंप्लीट है, ठीक है। 23:30:37 ऐसा करके दिया हुआ है। अब आपको इनमें से वो ऑप्शन चूज़ करना है जो इसके सिमिलर है, मिलते जुलते हैं, या जो भी फैक्ट इसमें यूज़ किया गया है, जो भी लॉजिक लगाई गई वही लॉजिक उनमें भी लगा हो, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है। चलिए देख लीजिए फटाफट से ऑप्शंस। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि किस तरह से ये किया गया है, तो हम पाएंगे कि 23 है, 23 के बाद यहाँ 30 आ गया, कोई तो बनता है 23 में क्या करेगी, 30 आ जाए, तो हम अगर 7 जोड़ते हैं तो 30 आ जाते हैं, यानी प्लस 7 करना है। इसके बाद 30 के बाद 37 आया है, कोई लॉजिक लग सकती है, गुणा भाग तो नहीं होगा, प्लस ही होगा, प्लस 7 करेंगे, तो कुल मिला के प्लस 7 किया गया। अब आपको वही ऑप्शन चुन लेना है जिसमें प्लस 7 किया गया हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो आप देखेंगे इसमें कितना है, 12 के बाद 19 आया है, तो मतलब +7 हुआ है, लेकिन 19 के बाद 25 आ गया है, यहाँ पे मतलब +6 ही हुआ है, तो ये गलत है। फिर दूसरा देखते हैं, 6 के बाद 13, तो 6 7 13 बिल्कुल सही है, +7। फिर 13 के बाद 20, तो +7, यहाँ पे ये लॉजिक लगा है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए आप इन सबको भी क्रॉस चेक करके एक बार देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उसके पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो का, आपके लाइक से बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये वाला आपको सीरीज़ कंप्लीट करना है, एक प्रॉपर पैटर्न बनना चाहिए। ये 1 2 3 3 ही यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इनमें से क्या ऐसा आप फिल करें कि ये कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे एक लास्ट में बना नहीं है, मैं बना दूँ, क्योंकि सारे ऑप्शन में 4 4 है ना, तो एक यहाँ आना चाहिए, 1 2 3 4, जो भी आप फिल करेंगे उसमें पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है सॉल्व क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी बी ए बी, देखिए बी बी ए बी। अब इसको हम पढ़ते हैं क्या कोई अच्छा पैटर्न बन रहा है, कुछ सिक्वेंस बन रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, सिंपल सा है ना। अब और कुछ हम यहाँ पे ऐसे रख के देखेंगे तो हम देखेंगे कि पूरे में एक जैसा पैटर्न बनता हमें नज़र नहीं आएगा, कहीं ना कहीं वो बिगड़ जाएगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, ये बहुत आसान है, ये आप लोग अपने सॉल्व करिए। अंग्रेजी शब्दकोश यानी अंग्रेजी डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार क्रम में रखें। 4 यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, बाउंड, बोनस, बंच, बोर्ड, इसको आपको एक सीक्वेंस में लगाना है, वैसे ही जैसे डिक्शनरी में दिया होता है। तो डिक्शनरी में हर चीज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है, स्कूल में बच्चों के नाम भी रजिस्टर्स में जनरली आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, है ना, वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहले आएगा बोर्ड, बी देखिए बी ओ, पहले हम देखते हैं बी, पहला लेटर आपको देखना होता है, तो सब में बी है, तो इसमें तो कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर का वही नहीं है, सब इनमें से कोई भी आ सकता है। जब पहला सेम है तब हम दूसरे को देखते हैं, तो जब हम दूसरा देखते हैं तो दूसरा है ओ, ओ यू के पहले आता है, तो ये तो पहले नहीं आएगा, पहले ओ वाला ही आएगा, पर अब इस तीनों में ओ आ रहा है, तो तीनों में से अब कौन पहले आएगा, इसके लिए अब हम तीसरा देखेंगे। तो तीसरा देखते हैं तो हम देख रहे हैं ये आ रहा है, तीसरा नंबर में ए है, और अल्फ़ाबेट मतलब ए बी सी डी में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है ना, तो इसलिए 4 जो है इसको हम पहले नंबर पे रख देंगे। इसके बाद फिर ये भी चलिए तो एलिमिनेट हो गया, अब इसको रखना नहीं है, बचते हैं ये 3। तीसरे में अब हमें इन्हीं दोनों में से फाइंड करना है, क्योंकि ओ है इसमें अभी, ये यू बहुत पीछे की चीज़ हो जाती है, तो ओ यू पहले आएगा कि ओ एन आएगा पहले डिक्शनरी में, तो जाहिर सी बात है ओ एन आएगा पहले, फिर उसके बाद ओ यू आएगा, और बी यू मतलब यू तो बहुत बाद में आता है, तो बिल्कुल आपका ये लास्ट नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइन यहाँ पे सीरीज कंप्लीट करनी है, ए बी सी डी वाला है। वी पी सॉरी वाई वी पी डब्ल्यू टी एन यू आर एल, वॉट क्या आएगा,
बिल्कुल, आपको यहाँ पे पैटर्न जो है वो डिटेक्ट करना है कि क्या चीज़ यहाँ पे हुई है। हम देखते हैं वाई कैसे देखना होता है, ये हमेशा ऐसे ऐसे, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, हमेशा आपको ऐसे ही देखना होता है। तो हम देखते हैं वाई और डब्ल्यू और यू में क्या सिमिलैरिटी है। तो वाई के पहले ही डब्ल्यू आ जाता है। ए बी सी डी जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वाई के दो अल्फ़ाबेट पहले आएगा, यानी -2 का यहाँ पे फॉर्मूला मतलब लॉजिक लगा हुआ है। फिर डब्ल्यू के दो अल्फ़ाबेट पहले यू आ जाता है। तो पहले में क्या लगा हुआ है, -2 -2 का एक लॉजिक लग रहा है। यही पैटर्न हमें फॉलो करना है। यू के दो अल्फ़ाबेट पहले क्या आता है, आई थिंक ऐसा आता है, ठीक है, तो ऐसा आना चाहिए। तो हमें एक तो मिल गया कि यहाँ पे जो भी है वो उसका पहला ऐसा होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो में से कुछ होगा। दूसरा देखते हैं, वी टी आर, इसमें क्या है। फिर हम देख रहे हैं तो वी के जब ए बी सी डी पढ़ेंगे तो वी -2 टी होता है, यानी कि वी के दो अल्फ़ाबेट पहले टी आता है और टी के दो अल्फ़ाबेट पहले आता है आर। तो अब हमें क्या करना है, आर के दो अल्फ़ाबेट पहले जो आता हो वो हमें लिख देना है। तो आर के दो अल्फ़ाबेट पहले पी आता है, पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर। तो आर के पहले दो अल्फ़ाबेट पहले पी आता है, तो हमने यहाँ लिख दिया पी। तो हमारा आंसर मिल गया हमें कि एस पी वाला जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। फिर भी आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, पूर्ण रूप से कंफर्म्ड होने के लिए तीसरा भी सॉल्व कर सकते हैं, एल के भी -2 पहले जो है वो जे आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी सीरीज़ वाला है बट इसमें क्या है, नंबर्स हैं 2, 8, 18, 32 और 50। फिर आगे क्या आएगा ये सोचना है आपको, क्या करना है, रिलेशन क्या बन रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, ये पता करना है कि 2 के बाद 8 कैसे आया, 8 के बाद 18 कैसे आया, बस यही देखना है। तो हम देखते हैं 2 के बाद 8 जो आता है वो कैसे आ सकता है। दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो हम इसमें 6 जोड़ दें या फिर हम इसको गुणा कर दें 4 से। तो ठीक है, जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट करेंगे तो यहाँ गुणा वाला यहाँ पे चल जाएगा, पर 8 का फिर कुछ भी गुणा करके 18 नहीं आता है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि हमें गुणा वगैरह कुछ यहाँ पे करना नहीं है, प्लस वाला ही देखते हैं वो ज़्यादा बेटर होगा। 2 के बाद प्लस जोड़ेंगे, प्लस करेंगे 6 तो 8 आया। फिर 8 में कितना प्लस करें तो 18 आएगा, 10। 10 में सॉरी फिर 18 में कितना प्लस करें कि 32 आए, तो 14 हमें करना पड़ेगा तभी आएगा 32। फिर 32 में कितना करें कि 50 आए, 18 करेंगे तब आएगा, है ना, 32, 18, 50। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, 6, 10, 14, 18, मतलब कि सब में 4 4 प्लस होता जा रहा है ना। पहले 6 प्लस किया, फिर 6 में 4 जोड़ के 10 प्लस किया, फिर 10 में 4 जोड़ा तो 14 हुआ, 14 प्लस किया, फिर 14 में 4 जोड़ा तो 18 हुआ, तो 18 प्लस किया। अब हमें क्या प्लस करना है, 18 में 4 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 22। तो अब हमें जो भी है 50 में कितना प्लस करना है, 22 प्लस करना है। 50 में 22 जोड़िए, जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। फटाफट से गेस करिए और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 में 22 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा, हो रहा है बहुत फास्ट तो कॉमेंट करिएगा, वैसे कोशिश है कि बैलेंस टाइम में बताई जाए। एनीवेज ये क्वेश्चन देखिए, पेपर वाला क्वेश्चन है, ये एक पेपर है इस आकार का, इसको फोल्ड किया जा रहा है। तो पहले एक बार उसको ऐसे आधे से फोल्ड कर दिया गया, ये हो गया, ये जो डॉट लाइन दिख रही है वो पेपर नहीं है, वो फोल्ड हो चुका है, वो हिस्सा ऐसा हो गया, आधा फोल्ड किया, फिर उसको ऐसे बीच से और फोल्ड कर दिया गया इस डायरेक्शन में, तो ये इतना हो गया। उसके बाद इसमें दो जो है ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे इस तरह से होल्ड कर दिए गए, छेद कर दिए गए। अब जब इस पेपर को ओपन करेंगे, खोलेंगे, फोल्ड की करके जिस कट की है ना, तो खोलेंगे तो बहुत सारे कट लगे होंगे, बहुत सारे होल्स हुए होंगे। आपको बताना है ये पेपर कैसा दिखेगा, ए बी सी या डी। फटाफट से गेस करिए, इसके लिए मैंने एक दिन आप लोगों को बताया भी था, बहुत ही सिंपल सा वो। चलिए देख लेते हैं, अब अगर नंबर ऑफ होल्स की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि जितनी बार ओपन होते हैं उसके डबल हो जाते हैं। जब यहाँ से ऐसे मुड़ा था, जब एक बार ऐसे खुलेगा तो ये 2 हैं तो 4 हो जाएंगे,
ठीक है, यहाँ पे दो हैं तो यहाँ चार हो जाएंगे, फिर ऐसे खुल के जब पूरे होंगे तो चार हैं तो आठ हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इसमें जो छेदे रहेंगे, होल्स रहेंगे, वो कितने रहेंगे? आठ रहेंगे। अब हम देख रहे हैं इसमें भी आठ है, इसमें भी आठ है, इसमें भी आठ है, ये नहीं हो सकता है ना, इसमें आठ नहीं है, तीनों में से कोई होगा। तो अब देखना है हमें पैटर्न, तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से किए गए हैं किनारे किनारे पे ऐसे, तो ये किनारे किनारे पे ऐसे ही आएंगे, जैसे ये खुलेगा भी तो इधर रहेंगे और ये चीज़ जो है ऐसे हो जाएगी। जब ऐसे खुलेगा तो यहाँ है, यहाँ है और यहाँ पे एकदम उसके ऐसे अपोजिट में हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल भी, ठीक है, इस टाइप से, सॉरी। तो चलिए देख लेते हैं अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, ऐसे पहले से था, हुआ तो इस डायरेक्शन में हो गया, एकदम मिरर डायरेक्शन में हो जाता है हमेशा ओपन करने पे। यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है, एकदम मिरर डायरेक्शन में हो गया है, एकदम यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी से ही जितने भी लोगों ने गैस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है आज। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले कराए हैं सॉल्व, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे बन जाएंगे। कॉमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। वह आरेख पहचानिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। द्रव, दूध, नदी जल, यानी नदी का पानी। थोड़ा सा हिंट कर दूं, आपको देखना है इनमें क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन हो सकता है, कैसा हो सकता है, बस यही आपको बताना है। तो द्रव, दूध और नदी जल, बहुत आसान है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऑल्सो हमारा दूसरा चैनल एग्जाम डोज, उसे भी सपोर्ट करिए, उसकी लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल्सो हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, सबकी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।